Now comes the main steps of cesarean section. So we have made fenicial incision on the lower segment 3 cm above the symphysis pubis. Next we have to cut layer wise. Like first of all सबसे पहले क्या कटेगा skin, then fat, then rectus sheath, then muscles and then peritoneum. पहले क्या कटेगी parietal peritoneum and then visceral peritoneum. सी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है. सबसे पहले वन नंबर देखो हमने क्या काट दिया. यहाँ पे कंबाइन कर लिया गया है स्किन फैट रेक्टस शीट. नेक्स्ट हम देखेंगे हमने क्या किया है. शीट काटने के बाद हमने क्या काटे मसल्स राइट. उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेचिंग की जा रही है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. फोर एंड फाइव नंबर पे हम क्या कर रहे हैं मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं जिससे क्या है हमें नीचे की तरफ क्या दिखाई दे जाएगा पेरिटोनियम. ठीक है सी हियर पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ द ब्लैडर एंड यूट्रस इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड देन डॉइंस रिट्रैक्टर इज इंट्रोड्यूस एंड ब्लैडर इज पुश्ड डाउनवर्ड. पैराइटल पेरिटोनियम के काटने के बाद हम क्या करेंगे ब्लैडर को पालपेट करेंगे फिर वहाँ पे डॉइंस रिट्रैक्टर लगा के उसको यूट्रस से अलग कर देंगे. उसको नीचे की तरफ क्या कर दिया जाता है पुश कर दिया जाता है. नाउ वी विल रिकॉग्नाइज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाय प्रेजेंस ऑफ द लूज पेरिटोनियम ओवर इट. जहाँ पे विसरल पेरिटोनियम जो है वो क्या होगी लूजली अटैच्ड होगी दैट विल बी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. नाउ लोअर लूज पेरिटोनियम इज इनसाइज्ड ट्रांसवर्सली. लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज मेड इन द मिडल डिपेंड टिल द मेम्ब्रेन्स आर रीच्ड एंड देन एक्सटेंडेड लेटरली. हम यहाँ पे क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्काल्पल जस्ट वी मेक अ निक ओवर द लोअर सेगमेंट ए डीप निक ओवर द लोअर सेगमेंट. उसके बाद दोनों हैंड्स की फिंगर से की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं लेटरली. ये स्ट्रेचिंग जो है वो हमें कितनी करनी है एटलीस्ट जस्ट अप टू 10 सेंटीमीटर. उससे अगर ज़्यादा हम स्ट्रेच कर देंगे तो क्या है लेटरली वहाँ से क्या पास हो रही हैं यूट्राइन वेसल्स. सो देर आर चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ दैट वेसल्स. तो हमें अगर स्ट्रेचिंग करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है हम उसको 9 से 10 सेंटीमीटर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करें. अब उसके बाद क्या करेंगे हमें अगर एमनियोटिक सैक दिख रहा है तो हम उसको क्या करेंगे रप्चर एंड जो डॉइंस रिट्रैक्टर हमने लगा रखा था उसको क्या कर देंगे इमीडिएटली इट इज़ रिमूव्ड. अब फीटस का जो हेड है दैट इज़ हुक्ड इन द हैंड ऑफ द सर्जन एंड डिलीवरी इज मेड विद द असिस्टेंस दैट अप्लाइज फंडल प्रेशर. सबसे पहले हमें पता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन है एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो गया. उसके बाद सर्जन क्या करेगा अपना हैंड अंदर लेके जाएगा यूट्राइन कैविटी में वो ग्रास्प कर लेगा फीटल हेड को. जब फीटल हेड ग्रास्प हो जाए तो उसके बाद क्या है विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट उसे क्या बोला जाता है टू पुश हार्डर ऑन द फंडल एरिया जिससे जिसकी हेल्प से फीटस जो है वो इमिजिएटली बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट हो जाता है. नाउ मार्जन्स पे हम क्या लगा देते हैं ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स. अगर ब्लीडिंग हमें लग रहा है ज़्यादा हो रही है तो उस ब्लीडिंग को उस टाइम पे टेम्परेरली स्टॉप करने के लिए वहाँ पे ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स लगा दिए जाते हैं. नेक्स्ट इमिजिएटली क्या करेंगे हम अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एट टू प्लेसेस एंड कट. नाउ बेबी इज गिवन टू द पीडियाट्रिशियन एंड डॉइंस रिट्रैक्टर इज री इंट्रोड्यूस्ड एंड प्लेसेंटर मेम्ब्रेन्स आर रिमूव्ड इमिडिएटली. यूट्रस को हम क्या कर लेते हैं एक्सटीरियराइज्ड. यूट्रस को निकाल के फॉर ईजी पर्पज बेसिकली एबडोमन पे रख लिया जाता है और इन साइड ऑफ द यूट्रस इज इंस्पेक्टेड फॉर एनी अबनॉर्मेलिटी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ रिमूवल ऑफ द कंटेंट. हमें यूट्रस को अच्छे से क्या करना है यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मॉब्स. मॉब लेंगे हम वो यूट्राइन कैविटी के अंदर अच्छे से उसको उससे हम अच्छे से अंदर से क्या करेंगे क्लीन करेंगे. अंदर थोड़ा बहुत अगर मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा का कुछ पार्ट लगा रह गया है तो विद द हेल्प ऑफ दैट मॉब वो ईजिली वहाँ से रिमूव हो जाएगा. हमने देख लिया है यूट्राइन कैविटी क्या है एकदम क्लियर है. अब हम उसको क्या करेंगे उसकी सूचरिंग.
सूचरिंग कैसे की जाती है? थ्री लेयर्स में। सबसे पहले हम करते हैं लेटरल एंगल्स। लेटरल एंगल्स को सबसे पहले सिक्योर किया जाता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले सूचर होगा एट लेटरल एंगल्स विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक कैटगट नंबर 0, एंड देन कंटिन्यूस रनिंग सूचर इज टेकन ओवर द डीप मसल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीप मसल्स को सूचर करेंगे, उसके बाद किया जाता है सुपरफिशियल मसल को सूचर, फिर उसके बाद किया जाता है पेरिटोनियल लेयर को सूचर। पेरिटोनियल लेयर को सूचर करना इज़ नॉट दैट कंपल्सरी, बट जो उसके डीप मसल्स और सुपरफिशियल मसल्स हैं उनको सूचर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, द मॉप्स प्लेस इनसाइड आर रिमूव्ड एंड नंबर आर वेरीफाइड। ठीक है, काउंट जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स का देखा था वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे एट आइदर इट इज़ सेम और नॉट। नेक्स्ट, पेरिटोनियल टॉयलेटिंग इज डन एंड ब्लड क्लॉट्स आर रिमूव्ड। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और अगर कुछ भी क्लॉट्स होंगे अंदर तो उसको भी क्या है, रिमूव कर दिया जाता है। मीन्स पेरिटोनियल कैविटी क्या है, एकदम क्लियर करनी होती है ताकि हम बाद में क्या है, लेयर बाय लेयर अब्डोमन को भी क्लोज कर दें। बाइलेटरल ट्यूब्स एंड ओवरीज आर ऑल्सो एग्जामिन्ड। डॉन्स रिट्रैक्टर इज रिमूव्ड आफ्टर बींग सेटिस्फाइड दैट यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड, अब्डोमन इज क्लोज इन लेयर्स। देन वजाइनल टॉयलेटिंग इज डन एंड स्टराइल वल्वल पैड इज अप्लाइड। सो हमारा जो मेन ऑपरेटिव प्रोसीजर था वो क्या हो जाता है, कम्प्लीट। नेक्स्ट कम्स टू पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फर्स्ट 24 आवर्स जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 0 डे भी बोला जाता है, हम डे वाइज काउंटिंग करते हैं ना, तो फर्स्ट 24 आवर्स है उसको क्या बोल देते हैं हम, 0 डे। पेशेंट शुड बी नील बाय माउथ फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका पीरियोडिक चेकअप ऑफ पल्स, बीपी, एनी पीवी ब्लीडिंग, अबडामिनल डिस्टेंशन, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट ऑफ यूरिन एंड बिहेवियर ऑफ द यूट्रस, दैट मीन्स आइदर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग और नॉट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूड्स, 2 पिंच ऑफ ईच आरएल, एनएस एंड डी5। बेसिकली फॉर फर्स्ट 3 डेज हम क्या करते हैं, 5 पिंच ऑफ दीज 3, एंड अदर आफ्टर दैट 3 डेज हम उसकी डोज जो है वो क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स इन 1 पिंट आरएल, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नेसेसरी, अदरवाइज नो नीड। एंड प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स फॉर 2 to 3 डेज, एंड देन थेरापोटिक एंटीबायोटिक इज गिवन व्हेन इंडिकेटेड। एनाल्जेसिक्स इन द फॉर्म ऑफ पेथिडिन एंड कीटारोल इज गिवन। बेबी इज पुट टू ब्रेस्ट फीड आफ्टर 3 to 4 आवर्स व्हेन मदर इज स्टेबल एंड रिलीव्ड ऑफ पेन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। ओरल फीडिंग इन द फॉर्म ऑफ सिप्स इज गिवन। सबसे पहले हम उसकी क्या चेक करेंगे, गैस्ट्रिक साउंड, बाउल मूवमेंट्स। इफ प्रेजेंट वी विल स्टार्ट पेशेंट विद जस्ट सिप्स ऑफ वाटर। अगर उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नोजिया वॉमिटिंग जैसी कोई फीलिंग नहीं हो रही है, देन शी कैन गो फॉर मिल्क और टी, एंड देन लाइटली लिक्विड डाइट इज स्टार्टेड। एम्बुलेशन इज डन एंड पेशेंट शिफ्टेड टू वार्ड एंड ओरल एंटीबायोटिक्स इज गिवन। इट डिपेंड्स। सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, सॉफ्ट डाइट एंड एम्बुलेशन। जो हमने फॉलिस कैथेटर, उसको सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर लगाया था, उसको हमने क्या कर देना है, यहाँ पे रिमूव कर देना है, एंड पेशेंट इज एडवाइज टू वॉक। एम्बुलेट मीन्स टू वॉक। थर्ड ऑपरेटिव डे में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वूंड फॉर एनी सोकेज एंड ब्लीडिंग, देन शिफ्ट हर टू सॉफ्ट टू नॉर्मल डाइट। नेक्स्ट, फिफ्थ पोस्ट ऑपरेटिव डे, सूचर आउट इज डन। इट डिपेंड्स, बेसिकली जो है हम 6 या फिर 7 डे तक वेट कर सकते हैं। फिफ्थ डे पे हम क्या कर देते हैं, उसकी ड्रेसिंग। हम वहाँ पे ड्रेसिंग करके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वूंड जो है वो हील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम ड्रेसिंग करके 1-2 दिन का गैप देके फिर सूचर्स को रिमूव कर देते हैं। अगर तो सब क्यूट इन सीजन लगा है और सूचर जो है वो हमने लगाया है अब्जॉर्बेबल, देन नो नीड टू रिमूव दैट सूचर, इट विल अब्जॉर्ब बाय ओन
इटसेल्फ। अगर हमने नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर यूज़ किया है तो उस टाइम पे हमें सूचर जो है वो रिमूव आउट करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट कम्स इट्स कॉम्प्लिकेशन। इंट्राऑपरेटिव क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सबसे पहले वही एक्सटेंशन ऑफ द यूट्राइन इनसीजन, जिससे क्या है इट मे रप्चर द यूट्राइन वेसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनी ब्रॉड लिगामेंट हिमाटोमा। नेक्स्ट यूट्राइन लेसरेशन एट लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नेक्स्ट देयर मे बी ब्लैडर इंजरी, यूरेट्रल इंजरी, GI ट्रैक्ट इंजरी एंड एक्सेसिव हिमोरेज। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले इमीडिएट PPH, पेशेंट में गो इन PPH ड्यू टू यूट्राइन एटोनी। तो हमें सीजेरियन सेक्शन के टाइम पे यूट्रस को तभी अंदर डाल के एब्डोमेन की कैविटी को सूचर करना है जब तक कि यूट्रस फुली कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट इज शॉक, पेशेंट कैन गो इन शॉक। एनेस्थीजिया हजार्ड्स हो सकते हैं लाइक एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड एस्पिरेशनल निमोनिया। अदर्स कैन बी हाइपोटेंशन, स्पाइनल हेडेक, इन्फेक्शन, एंडोमायोमेट्राइटिस, UTI, वूंड इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, DVT, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स, वूंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक सेप्सिस, हिमाटोमा, डिहाइसेंस, बर्स्ट एब्डोमेन एंड लेटर ऑन सेकेंडरी PPH। इन रिमोट कॉम्प्लिकेशंस गायनाकोलॉजिकल में लेटर ऑन रिमोट मतलब 6 वीक्स बीत जाने के बाद या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिमोट वन। मेंस्ट्रुअल एक्सेस और इरेगुलरिटी, क्रॉनिक पेल्विक पेन और बैकिक। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक इंसीजनल हर्निया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यू टू एडहीजन्स। फ्यूचर प्रेगनेंसी देयर मे बी रिस्क ऑफ स्कार रप्चर। फीटल कॉम्प्लिकेशन इटेरोजेनिक प्री मेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ RDS। सो हेयर अवर लोअर सेगमेंट सीजन सेक्शन इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।